बीच की पिक्चर है। इस पिक्चर में यह पिक्चर बहुत सुंदर है। इस पिक्चर में एक लड़का और एक लड़की सैंड से कुछ पहाड़ टाइप बना रहे हैं और वो उसमें उसके साथ खेल रहे हैं और उसी के सामने एक डॉगी बैठा हुआ है। वह उन्हें देख रहा है और हंस रहा है और उन्हीं के साथ में एक बाल्टी रखी हुई है और बॉल भी रखी हुई है और उसी के साथ एक कारपेट बिछा हुआ है जिसमें एक लड़का और एक लड़की सो रहे हैं और उसके ऊपर एक छतरी लगी हुई है और उनके पास में एक बास्केट रखा हुआ है जिसमें खाना है। वो लड़की उठ के सब सारा नज़ारा देख रही है। वह देख रही है कि सूरज कैसे ढल रहा है और जब सूरज ढल रहा है तो बहुत सुंदर लग रहा है और वहाँ पे पंछी भी उड़ रहे हैं और एक लड़का एक टायर के साथ खेल रहा है और हंसी आगे बढ़ रहा है और एक उसी के बाजू में एक आदमी बलून्स बेच रहा है और एक लड़का उसे खरीदने आया है, लेकिन वो लड़का सोच नहीं पा रहा है कि मैं कौन सा बलून लूँ। इसीलिए उन अंकल ने एक बैलून दे दिया। तभी वहाँ पे एक आइसक्रीम का स्टॉल भी लगा हुआ है और दो तीन बच्चे आइसक्रीम लेने आए हैं, लेकिन आइसक्रीम वाला भैया आइसक्रीम निकाल रहा है और वहाँ पे एक ऊँट भी है जिसे एक अंकल चला रहे हैं और वो उसे मार रहे हैं, लेकिन ऊँट को मारते मारते चलना पसंद नहीं है, इसीलिए उसने बहुत गंदा फेस बनाया हुआ है और उस ऊँट की सवारी के पीछे तीन बच्चे बैठे हैं और वह बहुत खुश है। समुंदर बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि उसमें सूरज भी ढल रहा है। सूरज की किरणें समुंदर में पड़ रही हैं, इसलिए आधा समुंदर भी ऑरेंज ऑरेंज हो गया है और उधर बोट भी चल रही है। एक बोट के अंदर दो बच्चे बैठे हैं और दो बच्चे एक बॉल के साथ नदी में समुंदर में खेल रहे हैं। उन्हें खेलना बहुत पसंद है और आइसक्रीम के स्टॉल के ऊपर चिड़िया आके बैठी है, वह उसे देख रही है। ये पिक्चर पूरा बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ पे जो बादल आ रहे हैं वह भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और सन के आसपास पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो गया है, इसीलिए मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पे दो पंछी सूरज के और जा रहे हैं और उस आनंद का मजा ले रहे हैं, लेकिन जो एक कारपेट पे एक आदमी सो गया है और वह देख रहा, लेकिन वो तो सो गया है इसलिए वह इतनी सुंदर नज़ारे को नहीं देख पाया है। और एक लड़की ने सैंड का पूरा घर तोड़ दिया है और उसी के पास में एक स्टिक रखी थी, उसने उससे पूरा सैंड तोड़ दिया है। बोट पे जो डिज़ाइन बना हुआ है वह बहुत सुंदर लग रहा है और कलर भी यूनिक सा है। एक लड़की उस सामने वाले लड़के को बॉल नहीं दे रही है और बॉल को लेके आगे भाग रही है और वो लड़का उसके पीछे पीछे भाग रहा है। एक लड़का टायर ले जाते ले जाते अपने पैरों के निशान दबा दबा के जा रहा है और मिट्टी को हाथ में लेके उछाल रहा है और छतरी भी बड़ी है, इसलिए वे दोनों लोग उस छतरी के अंदर आ गए